भैया जी चल भी नहीं पाती है, खाना नहीं खाती है, एक दो रोटी खाती है, दिन भर बैठी रहती है। अब लेटरिन बाथरूम है तो अपन खुद उठा के ले जा तो जाएगी अपनी मर्जी से। जो बच्चा हुआ है तो वो अभी चल नहीं पा रहा है, और गर्दन भी कह रही है, आँख भी थोड़ी सी मिस्टेक है आँख में। भोपाल हॉस्पिटल में खत्म है, उनका लीवर भी खराब हो गया था, किडनी भी। वो वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ कि अस्पताल से वहाँ से पैसा मिल रहा है, लीवर किडनी कुछ नहीं करा। बीमार रहते थे, ऑटो चलाते थे, वो बीमार बीमारी में चली। भैया जी चल भी नहीं पाती है, खाना नहीं खाती है, एक दो रोटी खाती है, दिन भर बैठी रहती है। अब लेटरिन बाथरूम है तो अपन खुद उठा के ले जा तो जाएगी अपनी मर्जी से। नहीं, सरकार से कुछ और मदद मिलती है आपको इलाज के अलावा? नहीं, बस उसको पेंसिल दे रहा 500-600 रुपए, बस कुछ नहीं, कुछ मदद नहीं है। बेटा क्या नाम है आपका? भारती। पढ़ाई लिखाई भी की हो आप, क्या करती हो? सातवीं तक पढ़ाई की है। थोड़ा थोड़ा बन रहा था चलते, जब तक गई फिर नहीं बन। इसके बाद फिर अचानक से, पहले चल पाती थी आप? हाँ, थोड़ा पकड़ के खड़ी हो जाती, बिठा ले आते स्कूल में। अच्छा, डॉक्टरों को दिखाया होगा, डॉक्टरों का क्या कहना है? डॉक्टर कह रहा है अच्छी है, कुछ परेशानी नहीं है। भोपाल हॉस्पिटल में भी MRI वही सब हुई, अभी फेंकी हमने MRI अभी तक रखी थी, और जो अपने समर्पण में ले गए। लेडीज हॉस्पिटल में भी दिखाया, समाना में भी दिखाया, पूरे अस्पताल के हमने कर लिए, कोई उनसे कुछ नहीं। तो फिर हम बैठ गए एक जगह, फिर उनके पापा भी चली गए तो वो लेके चाहते थे, फिर वो भी जाए लेके। वो खत्म भाई, इसके बाद हम बीमार हो गए। मैं बच्चों ने किरा कर्जा बाड़ी करके 1.5-2 लाख रुपए लगा। गैस लगी तो कहाँ तबीयत सही दे रही है हमारी है, गैस लगी है वही, वो पैसे दे भी का वो 25,000 वही मिले थे गैस के, किस काम के, परेशान हो रहा है। बच्चों में भी कोई दिक्कतें हैं क्या? बच्चों में दिक्कत है, बच्चों की भी तबीयत खराब, और जो बच्चा हुआ है तो वो भी चल नहीं पा रहा है, बहू को, और गर्दन भी टेढ़ी है, आँख भी थोड़ी सी मिस्टेक है आँख में। हाँ, मतलब बच्चे में विकलांगता? हाँ, विकलांग। अब ज्यादा है, 11 महीने का हो गया, वो लेट नहीं पाता है वो। हाँ ना, अपन खड़ा करो ऐसे करके, खड़ा भी नहीं हो पाता है, जानी नहीं जैसे भाई ऐसे कर रखेगा ऐसे गर्दन को। पिताजी उसके क्या करते हैं, मतलब आपके बेटे? अरे बेकरी में दूसरों की मजदूरी करने जाते हैं बेकरी में, तो उसमें उसकी पैकिंग करते हैं। हाँ, उसी पैसे में इलाज भी करवाना होता है। अब वो तो कह रहे कितने पैसे मिलते हैं उनको, 300-400 रुपए रोज। अब उसमें घर में करेंगे कि उसका इलाज करवाएंगे? सबने बोला कि डॉक्टर को दिखाओ, अब डॉक्टर तो पैसा मांगेगा ना ज्यादा, कहाँ से दूंगी मैं। सरकार कुछ इलाज के लिए पैसा वगैरह देती है क्या? नहीं देती है, कहाँ दे रही सरकार कुछ भी। जो लाडली बहनों तक का नहीं मिल रहा हमको 1,000 रुपए, सबका हुआ हमें नहीं हुआ। हमारा घर ना बहुओं का हुआ ना लड़की का, ना हमारा। यूनियन कार्बाइड गैस हादसे के 40 साल बाद भी हम देखते हैं कि ये हादसा लोगों की जिंदगियों में अलग अलग तरीके से जारी है, चाहे वो दूसरे पीढ़ी में गैस पीड़ितों की जन्मजात विकृतियां हों, चाहे वो यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे की वजह से हो रहा प्रदूषण हो, जिसकी वजह से 42 बस्तियों का पानी ऐसे रसायनों से प्रदूषित है जो जन्मजात विकृति पैदा करते हैं, इंसान के अंदर कैंसर और गुर्दे और मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाते हैं। और अगर हम ऐसे ही कानूनी पक्ष देखें कि 25,000
5000 लोगों को मारने और 5 लाख लोगों को घायल करने और एक आधे भोपाल के भूजल को जहरीले करने के लिए जिम्मेदार एक भी कंपनी, चाहे वो यूनियन कार्बाइड हो या उसका मालिक डाउ केमिकल हो, उस पर आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है। कोई भी एक दिन के लिए जेल नहीं गया है। आज जो गैस पीड़ितों को कुछ भी जो हासिल हुआ है वो उनकी लड़ाई से हासिल हुआ है, ना कि इसलिए कि कोई भी सरकार उनके साथ रही हो, चाहे वो भाजपा की सरकार रही हो या कांग्रेस की सरकार रही हो। दोनों ने मिलकर कंपनी की दलाली की है और करते आ रहे हैं, और जब तक ये मिसाल नहीं बदलेगी, जब तक हमारी सरकारें गैस पीड़ितों के साथ नहीं होंगी और जब तक हमारी सरकारें कंपनियों के साथ होंगी, तब तक भोपाल में इंसाफ नहीं होगा। इंसाफ करने की जिम्मेदारी हमारी सरकार की है, जिन्होंने तमाम बड़े वादे किए हैं, करते आए हैं, पर आज स्थिति आपने भी देखी है, जाकर मोहल्लों में लोगों को ना तो सही इलाज मिल पा रहा है, लोगों गैस पीड़ितों की दूसरी पीढ़ी में समस्या है, मिट्टी में जहर है और बेकसूर झेल रहे हैं और कातिल फरार है।